वेल well, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को क्लियर चलो अच्छी बात है आज तबीयत तो ठीक नहीं है और थोड़ा सा लेट उठा हो देखते कितना रिवीजन होता है अगर एक घंटा हो पाया तो एक घंटा डेढ़ घंटा हो पाया तो डेढ़ घंटा वॉइस क्लियर है चलो अब मैंने रिवाइज करने के बाद चलिए एक बार मैं आपको सबको बता दूं चलो एक मिनट मैं स्टार्ट कर देता हूं <laughs> हाँ दोस्तों सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट आज का सेशन फर्स्ट टाइम देख रहा होगा तो मैं उसको कह दूं कि आ, ये लेक्चर नंबर जीरो टू है रिवीजन का लेक्चर नंबर जीरो इंट्रोडक्शन दिया है ऑफ जीएसटी तो और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड लेवी हमने स्टार्ट कर दिया था चलो नेक्स्ट आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं तो आज के सेक्शन में हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कंप्लीट करेंगे और मुझे ठीक लगा और टाइम हम कंटिन्यू कर पाए तो हम रिवर्स चार्ज भी स्टार्ट कर देंगे ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे आ, जो भी स्टूडेंट ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उन सारे स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि आप वी स्मार्ट डॉट कॉम पर अपना लॉग इन क्रिएट करें इस रैपिड रिवीजन का कम्बो आपको एक आर आर रेपिड रिविज़न का कम्बो एक थंबनेल दिखेगा आपको वो कोर्स बाय करना पड़ेगा कम्बो कोर्स बाय करना पड़ेगा वो फ्री है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है और आपका लॉग इन क्रिएट करके आपको वहाँ से सारी नोट्स यानी मेरे चार्ट बुक की नोट्स वहाँ से मिल जाएगी आपके लॉगिन में मटेरियल कंटेंट में आपको नोट्स मिल जाएगी और वहाँ एक टेलीग्राम लिंक होगी जो ज्वाइन स्टडी ग्रुप में तो वो टेलीग्राम लिंक भी आप ज्वाइन कीजिएगा सो so दैट आप उस ग्रुप से कनेक्ट हो जाओगे ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे Uh, सबको ये बता दूं कि आप किस तरह से लॉग इन क्रिएट करोगे क्या करोगे इससे रिलेटेड ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है और वो वीडियो आपको वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम के चैनल पे मिल जाएगा डन और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर वो वीडियो आपको नहीं मिलता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो हाउ टू क्रिएट लॉगिन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी रैपिड रिवीजन आपका अवेलेबल है तो सा, सारे सब्जेक्ट के रैपिड रिवीजन का शेड्यूल आपको वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पर मिल जाएगा और क्या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया क्या कर रहे हो यार फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो साथ साथ में और एक चैनल सब्सक्राइब करो थिंग जी एस टी सर जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है जिसके एग्जामिनेशन टिप्स का भी आऊगा और यूट्यूब चैनल पे भी आऊगा वैसे तो अभी सोशल मीडिया आपने बहुत कम यूज करना चाहिए एक आधा सैटरडे संडे कभी टाइम मिला तो एक आधा घंटा अभी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए लेकिन अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, हो तो पर्सनल इंस्टा, इंस्टा ज्वाइन कर सकते हो और मेरा एड्रेस है सीए अंडर स्कोर विशाल अंडरस्कोर भट्ट ओके विशाल अंडर स्कोर ओके आप ये इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो मोस्टली uh, मैं संडे जो है इस पर Uh, थोड़ी एग्जामिनेशन टिप्स देता हूँ कि आप अपने आपने कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए किस uh, कौन कौन सी चीज इम्पोर्ट होती इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में और कुछ बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं तो आप मेरा ये पर्सनल इंस्टा ज्वाइन कर सकते हो जिसके uh, जिसमें मैं छोटी छोटी क्लिप्स जो है या आप स्पेशली फॉर योर एग्जामिनेशन एड करते रहता हूँ तो यस बेटा ये हुआ पूरा हमारा डिस्कशन अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिविजन आपके डाउट्स वगैरह तो इस क्लास के इस सेशन के एंड में पूछिएगा। अभी आपका आ, कोई भी डाउट मैं नहीं देखूंगा और आ, आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आ, अगर आपको किसी भी तरह से आपको लॉग में आपका मटेरियल नहीं दिख रहा होगा तो एक बार फिर से रिपर्चेज कर लेना हमारा यहाँ पे रैपिड रिवीजन कम्बो सो दैट क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो उन्होंने इनिशियल स्टेज पे परचेस किया और उनके लॉगिन में नहीं दिख रहा है मटेरियल कंटेंट वगैरह तो एक बार फिर से रिपर्चेस कर लेना ठीक है सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा रैपिड रिविजन और यहां जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है फटाफट अपनी अटेंडेंस लगा अटेंडेंस कैसे लगानी है लाइक like करके फटाफट मैं देखना चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट यहाँ पे ओके okay, इंथुजियास्टिक है एनर्जेटिक है मैं भी आपके साथ एनर्जी मेंटेन करूंगा मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के बाद भी फटाफट अपना अटेंडेंस लगा हाँ और किसी को भी यहाँ पे आ, करेक्ट बेटा किसी को भी यहाँ पे कंटेंट में पीडीएफ लिंक नहीं मिल रही है तो फिर से बाय करो <laughs> फिर से बाय करो कम्बो हमारे वेबसाइट से ओके okay, और फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाओ चलो अटेंडेंस दिखनी चाहिए जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है और मैं आपको ये कहना चाहूंगा ये भरोसे मत बैठना बाद में कि हम बाद में वीडियो देख लेंगे मेरे साथ फटाफट कंप्लीट कर लेना ओके सो दैट एक डिसिप्लिन में आपका हो जाएगा हाँ कुछ स्टूडेंट का सवाल है कि सर क्वेश्चन है तो मैं आपको ये बता दू क्वेश्चन जो है आ, मैं

चलो अब मैं आपके डाउट्स एंटरटेन नहीं करूंगा रिविजन करूंगा भाई डन चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन आज के रिवीजन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का रिमेनिंग डिस्कशन और आरसीएम नेक्स्ट सेशन में हम बाद में क्वेश्चन या डिस्कशन भी करेंगे ठीक है चलिए हमने यहां पे सेक्शन सेवन वन ए और सेवन वन बी कंप्लीट किया सेवन वन ए और सेवन वन बी कंप्लीट किया अब आ, साथ साथ में शेड्यूल वन भी कंप्लीट किया अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन सेवन टू पे <laughs> सेक्शन सेवन टू ए सप्लाई इंक्लूड्स नॉट इंक्लूड्स। अब एक एक बात को अच्छे समझ लो कि ऐसे कुछ एक्टिविटी है जो सप्लाई नहीं कही जाती है सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता ध्यान से सुनिएगा

हम अगर आपको पहले ही यहां से टर्मिनेट कर दे निकाल दे तो वो सिचुएशन में हम आपको कंपेन्सेशन देंगे तो एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं आएगा सॉरी <coughs> एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं आएगा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एम्प्लॉय को बहुत सी बार यहां पे ध्यान से सुनिएगा एम्प्लॉय को बहुत सी बार यहाँ पे कंपेंसेशन मिलता है पर टर्मिनेशन तो क्या वो कंपेंसेशन क्योंकि पैसा मिला पैसा मिला तो गवर्नमेंट का ध्यान होता है तो वो कंपेंसेशन जो मिलता है वो आ, यहां पे जीएसटी आएगा क्या तो आंसर इज नो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है और वो एम्प्लॉयमेंट का क्लॉज था इसलिए उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा ओके okay. तो रीजन क्या दोगे इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट दूसरा नॉन कॉम्पिट फीस नॉन कॉम्पिट फीस क्या है कि एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो एम्प्लॉयर तो ने कहा देख भाई तू ऐसा बिजनेस कहीं और नहीं करेगा ओके okay, तो ऐसा बिजनेस और नहीं कहप्लॉय ने कहा ठीक है अगर मैं ऐसा बिजनेस और नहीं करूंगा या सिमिलर टाइप का बिजनेस और नहीं करूंगा तो आप मुझे पचास लाख का कम्पनसेशन दो अगर आप मुझे पचास लाख का नॉन कॉम्पिट फीस देते हो कि मैं सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी और कहीं नहीं करूंगा तो अगर एम्प्लॉय को फिफ्टी लैक्स रुपए मिलते हैं तो क्या वो वो भी एग्जाम बेटा <स्थ> आपको याद होगा तो एक्ट या फॉर्बिलंस भी सर्विस है कुछ ना करना भी सर्विस है सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन बिजनेस और और शेड्यूल शेड्यूल आगे आता है और कहता है है कहता कि यहां पे एक्ट uh, या uh, ये भी एक्टिविटी होती है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस कही जाती है तो कुछ ना करना भी सर्विस है इसलिए नॉन कॉम्पिट फीस अगर एम्प्लॉय को मिलती है तो वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है और वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है तो उसके ऊपर क्या जीएसटी आएगा दोस्तों हाँ उसके ऊपर जीएसटी आएगा उसके ऊपर पड़ेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हमारा हो गया तीसरा कैजुअल लेबर अपॉइंटेड ऑन डेली बेसिस बेसिस नहीं देते, है. पे देते है हैं डेली बेसिस पे सैलरी देते हैं जिसको भी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा, yes, बोला जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा अब एक क्लैरिफिकेशन आया था डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है कंपनी की तरफ से क्या वो डायरेक्टर रेम्युन पे जीएसटी आएगा पहली बात तो मैं आपको याद दिला दू की रिवर चार्ज मैकेजम में डायरेक्टर रेम्यूरेशन ध्यान 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 सुनना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डायरेक्टर्स रेमुनरेशन पे रिवर्स चार्ज आता है अगर वो कोई भी डायरेक्टर अपने कंपनी को सर्विस दे रहा है तो फीस रेमुनरेशन या जो भी मिल रहा है तो तो रिवर्स रिवर्स चार्ज चार्ज में जीएसटी आता है डन लेकिन तो तब लगेगा ओके okay, तो तब आएगी पहले तो लेवी होनी चाहिए वो सप्लाई होना चाहिए सप्लाई होने के बाद फॉरवर्ड चार्ज होगा कि रिवर्स चार्ज होगा उसकी बातें होती है तो ऐसे केस में यहां एक सीबीआईसी क्लरिफिकेशन आया इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से पढ़ के जाना इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और क्लैरिफिकेशन क्या आया क्लैरिफिकेशन ये आया कि अगर डायरेक्टर का यहां पे टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 192 में डिडक्ट होता होगा यानी एज अ प्रोफेशनल फीस डिडक्ट होता होगा तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा ओके okay, और उसके ऊपर जीएसटी आएगा सॉरी सेक्शन 190 टीडीएस uh, अंडर uh, 192 टीडीएस अंडर वन नाइनटी टू एज अ सैलरी डिडक्ट हो रहा होगा एज अ सैलरी डिडक्ट होगा तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा लेकिन उसका टीडीएस जो है इनकम टैक्स एक्ट में किसी अदर सेक्शन में डिडक्ट हो रहा होगा वन नाइन्टी टू सैलरी का है पर अगर अदर सेक्शन में डिडक्ट हो रहा होगा तो फिर वो प्रोफेशनल फीस माना जाएगा और वह सप्लाई बुला जाएगा और उसके अंदर यहाँ आर सी एम भी लगेगा सप्लाई बुला जाएगा और आपको लिखना होगा तो आर सी एम भी लगेगा

करो तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में वो होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट। दूसरा है सर्विस बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल अंडर एनी लॉ फॉर रहा हो तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा okay, third, MP, की सर्विसेज होगी तो जीएसटी नहीं, नहीं बोला जाएगा ओके okay, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर आ, आप अपॉइंट किए गए तो यहाँ पे सप्लाई नहीं बोला जाएगा अगर कोई गवर्नमेंट कमेटी होगी गवर्नमेंट बॉडी होगी और आपको एज अ डायरेक्टर मेंबर अपॉइंट किया गया और आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा उसके बाद में सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरल क्रिमिटोरियम मॉर्चुरी ओके जाते जाते क्यों जीएसटी लगाना भाई ओके तो फ्यूनरल पर जो भी सर्विसेज ब्यूरल क्रिमिटोरियम मॉर्चुरी इस पर जो भी सर्विसेज दी तो उसे जो है सप्लाई नहीं बोला जाएगा नाउ नेक्स्ट वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है थोड़ा मैं ये डिस्कशन करना चाहूंगा उन्होंने क्या कहा कहाके okay, यहां पे सेल ऑफ लैंड यानी क्या सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग अगर, अगर इमुएबल प्रॉपर्टी है स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग तो लैंड एंड बिल्डिंग का ओनली सेल वाला पार्ट सप्लाई नहीं है मतलब इसके अलावा जैसा आप लीज पे दे रहे हो रेंटिंग पे दे रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है और शेड्यूल टू के हिसाब से वो एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस क्लासिफाई हो रही है उन्होंने क्या एक्सक्लूड किया सिर्फ उन्होंने सेल ऑफ लैंड ओके एक्सक्लूड किया नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई अगर वही लैंड रेंट पे दिया जा रहा है लीज पे दिया ग्या, जा रहा ग्या है तो सप्लाई बोला ग्या, जाएगा ग्या, ओके वही अगर अंडर कंस्ट्रक्शन होगा ओके okay, और बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम शेड्यूल टू में आगे बिल्डिंग तो आएगा देखो मैंने ट्राई किया है कि चार्ट में मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करूं इसके बाद में भी आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट नहीं कवर किया तो स्टिकी नोट्स लेना खुद लिख लेना ओके okay, मैं ही आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो 20-25 पेजेस का चार्ट बुक है इतना और आपका क्वेश्चन है उसमें से जो भी स्पेशली आईसीएआई के और एग्जामिनेशन और या आरटीपी के क्वेश्चंस वो गिन के पेजेस पेजेस हो हो गए गए पौने अगर उतने भी क्वेश्चंस देख लिए आपने तो मोर देन इनफ ओके भाई अदर क्वेश्चंस बाद में देख लिए पहले आईसीएआई के देख लिए आर के देख लिए और एग्जाम के देख लिए उतना भी और एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो आपने कुछ सोल्व करके देख लिए इतने भी स्टडी की ना तो मोर देन इनफ हो जाएगा आप जीएसटी में मैं कहूंगा बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे चलो उसके बाद में एक्शनेबल क्लेम आई रिपीट उसके बाद में एक्शनेबल क्लेम जो है ओके अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैमलिंग आई रिपीट अदर देन लॉटरी बेटिंग और गैमलिंग सारे एक्शन सेवन और एंट्रीबल नहीं है क्रॉस okay, कर देना चलो तो यह हुआ फाइनल okay, लेवल पे अप्लीकेबल है आपको अप्लीकेबल नहीं है आपने क्रॉस कर देना चलो उसके बाद में यह तो हुआ सेक्शन सेवन वन बी सॉरी शेड्यूल यहां पे शेड्यूल थ्री में ओके शेड्यूल थ्री था ओके उसमें सेवन टू ए था ओके कौन सी एक्टिविटी सप्लाई नहीं बोली जाएगी अब सेवन टू बी में भी कुछ एक्टिविटी है और सेवन टू बी ये कहता है कि अगर कुछ एक्टिविटी जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है आई रिपीट कुछ एक्टिविटी जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है ओके okay, वो एक्टिविटी सप्लाई नहीं बोली जाएगी इफ़ दैट एक्टिविटी रिलेटेड टू आर्टिकल टू जी और टू फोर्टी थ्री डब्ल्यू ओके तो टू फोर्टी थ्री जी म्यूनसिपलिटी की एक्टिविटी टू फोर्टी थ्री डब्ल्यू ओके यहाँ पे पंचायत की एक्टिविटी तो पंचायत या म्युनसिपलिटी अगर इनकी एक्टिविटी होगी तो वो सप्लाई नहीं बोली जाएगी अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया होगा नेक्स्ट यहाँ पे लाइसेंस फीस ये एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है अगर अल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस फीस होगा स्टेट गवर्नमेंट का तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोला जाएगा हाँ ये बेनिफिट सिर्फ अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस फीस को है अगर अदर लाइसेंस फीस है तो वो सप्लाई बोला जाएगा जीएसटी आएगा बेनिफिट सिर्फ अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस फीस को मिलेगा चलो डन यहां पे तो ये हुआ शेड्यूल थ्री अब मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी अगर वो स्टोरी आपको याद होगा तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ सुनिए ओके शेड्यूल थ्री कैसे याद रखना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ दोनों कोर्ट में गए आई रिपीट दोनों कोर्ट में गए एमपी एमएलए की सिफारिश ली उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है मैं कुछ नहीं कर सकता ओके नाउ कोर्ट का रिजल्ट आने के पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय चल बसे ओके फ्यूनरल ब्यूरल पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था ओके लैंड एंड बिल्डिंग का था और वो लैंड एंड बिल्डिंग ओके यहां पे लॉटरी बेटिंग और गैमलिंग में जीती गई थी <laughs> लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग में वो लैंड एंड बिल्डिंग जीती गई थी ओके okay, तो ये था रिगार्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई जो हमने यहां पे देखा चलो आ, इस तरह से ये चार्ट हमारा कंप्लीट होता है अब आ जाओ आप शेड्यूल टू पे अब आ जाओ शेड्यूल टू पे शेड्यूल टू एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड ओके अब ये देख लो एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि शेड्यूल टू कब लगता है अगर आपकी एक्टिविटी सप्लाई हो चुकी है मतलब उसमें कोई कोई डाउट नहीं है सिचुएशन बिल्कुल अनडाउटेड है यहां पे कि फॉर कंसिडरेशन होगा इंपोर्ट सर्विस होगा विदाउट कंसिडरेशन होगा एक्टिविटीज सप्लाई है डन यह यहां से फिक्स हो गया है पर वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है ओके okay, क्यों क्योंकि आपका क्लासिफिकेशन पर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है आपके क्लासिफिकेशन पे मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी रेट है ओके तो वो गुड्स का है या सर्विस का है ये क्लासिफाई करना जरूरी है और इसके लिए शेड्यूल टू उन्होंने दिया है ओके क्लासिफिकेशन के लिए आपको शेड्यूल टू हेल्प करता है एज वेल एज आपको जो है सेक्शन एट कंपोजिट और मिक्स सप्लाई हेल्प करता है चलो यहाँ पे देख लेते हैं शेड्यूल टू शेड्यूल टू क्या कहता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स जब भी आप किसी को गुड्स देते हो गुड्स देते वक्त आपने अगर टाइटल दिया ध्यान सुनना गुड्स देते वक्त आपने अगर टाइटल दे दिया तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा ओनरशिप दे दी चलो आपने फ्यूचर टाइटल दिया मतलब हायर परचेस है एग्जाम्पल हायर परचेस ले लो फ्यूचर टाइटल दिया तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा लेकिन अगर आपने गुड्स ट्रांसफर करते वक्त ओनली राइट दिए क्या दिए बेटा राइट्स इन अ गुड्स दिए तो फिर आपने ओनरशिप नहीं दी ना अभी ना फ्यूचर राइट्स दिए जैसा कैमरा रेंट पे दिया ओके राइट्स दिए यूज करने के लिए चेयर दिया सीपीयू दिया ओके okay, तो अगर आपने सिर्फ राइट्स दिए तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा या सेकंड आपने अनडिवाइडेड शेयर दिया ओके अनडिवाइडेड शेयर का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया था अगर आपको क्लास का याद आता होगा नहीं आता होगा तो अभी समझ लो जैसे जैसे ओके okay, जब हम हॉस्टल में रहते थे तो दो तीन पार्टनर मिलकर हमने वो हॉट वाटर हीटर कॉइल लाया था जिससे पानी गर्म होता है तो वो जो हॉट वाटर हीटर कॉइल लाया था तो तीन जन मिलके लिया था कि भाई तू सौ रुपया दे तू सौ रुपया दे तू सौ रुपया दे तीनों मिलके हम वो एक गुड्स uh, परचेज करते हैं ठीक है अब तीनों का उसमें

कोई भी अदर ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएगी डन फिर वो टेनेंसी हो इजमेंट हो लाइसेंस हो ऑक्यूपेंसी हो ऑके लेटिंग ऑफ बिल्डिंग हो एंड ब्ला 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 कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे नेक्स्ट बेटा यहां पर ओके ट्रीटमेंट और प्रोसेस ओके ट्रीटमेंट और प्रोसेस अब ये देखो क्या कहते हैं किसी ने और ने किसी के और के गुड्स पे जॉब वर्क करना समझ लो फर्नीचर आया मेरे पास और मेन गुड्स किसी और का है ओके okay, और उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट और प्रोसेस करना और उसमें नो no डाउट मैं मेरा भी गुड्स लगा रहा हूं लेकिन मेन गुड्स किसी और का होगा और उसमें सिर्फ मैं ट्रीटमेंट और प्रोसेस कर रहा होगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा इवन दो डिलीवरी देते वक्त दिखता गुड्स है डिलीवरी जब मैं प्रोसेस करके डिलीवरी दे रहा हूं दिखता गुड्स है पर यह सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा यह सप्लाई ऑफ सर्विस होगा क्योंकि मेन गुड्स किसी और का है और उसके सिर्फ मैंने ट्रीटमेंट या प्रोसेस की तो सप्लाई सर्विस माना जाएगा जिसे हम जॉब वर्क सर्विस कहेंगे पैराफोर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझ लो ओके सबसे पहले तो मैं बिजनेस असेट की बात कर रहा हूं ओके अब यहां पे एक डिस्कशन करना चाहूंगा देखो आपने कोई भी गुड्स फिर आपकी क्यों ना असेट हो वेस्ट हो फिनिश गुड्स हो बाय प्रोडक्ट हो कोई भी गुड्स फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस जाता है इंक्लूडिंग असेट और कंसिडरेशन पे दिया जा रहा है तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा सेवन वन ए का दूसरा अगर कोई बिजनेस असेट है कोई बिजनेस असेट है और वो परमानेंट ट्रांसफर हो रही है विदाउट कंसिडरेशन ओके okay, वो परमानेंट ट्रांसफर हो रही है विदाउट कंसिडरेशन जिसका आईटीसी आपने लिया होगा तो वो भी सप्लाई माना जाएगा मेरा क्या कहना है आपको मेरा आपको ये कहना है ओके okay, कि अगर सप्लाई इधर होता है बिजनेस असेट का या सप्लाई इधर होता है बिजनेस असेट का अगर बिजनेस असेट का सप्लाई होता है तो फिर वो बिजनेस असेट का सप्लाई गुड्स का सप्लाई माना जाएगा या सर्विस का सप्लाई माना जाएगा तो यहां पर पैराफोर यह कहता है कि अगर बिजनेस असेट आपने परमानेंटली दी अगर बिजनेस असेट आपने परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दी तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और बिजनेस असेट आपने टेम्पररी आई रिपीट टेम्पररी अदर देन बिजनेस यूज के लिए दी मतलब आपने अपनी बिजनेस असेट प्राइवेट यूज के लिए दे दी जिसका कंसिडरेशन है या जिसके आईटीसी लिया है तो इन सिंपल वर्ड आपने ओके okay, यहाँ पे प्राइवेट यूज के लिए दे दी बिजनेस असेट तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा एक बार फिर से परमानेंट दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स ओके और टेम्प्रेरी प्राइवेट यूज़ के लिए दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे देखो अगर मेरी बिजनेस असेट है मेरा स्टॉक है ओके okay. और ये जो जो शॉपकीपर है उसके बेटे ने ओके okay. ये जो बाइक है शॉप की बाइक ये परमानेंट घर पे लेके चले गया परमानेंट लेके चले गए घर पे अगर परमानेंट लेके चले गया तो ये जो है यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और कभी कभी वो ओके okay, यहाँ टेम्प्ररी यूज के लिए प्राइवेट यूज के लिए देखो पीछे किसी को बैठा के लेके जा रहा है तो यहाँ टेम्प्ररी यूज के लिए लेके जा रहा है ओके okay, तो वो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा ओके डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस नाउ ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और और ये क्लॉज सी में कवर होता है वो क्या ये, ये बहुत डेंजरस क्लॉज है मतलब, अब, क्या? Person, मतलब, person 22 24. तो जो यहां पे रजिस्ट्रेशन ले चुका है या रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन है वो पर्सन को टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा अब सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन ने क्या मतलब ये कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया मैंने ये नहीं बोला कि बिजनेस बंद कर दिया मैंने ये कहा कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जस्ट मेरे बेटा चलिए और मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे कि अपने डाउट्स क्वेश्चन बाद में पूछे पहले मुझे अपना रिवीजन कंप्लीट करने दे संभाल के रखे अपने डाउट्स वो भी ले लूंगा पांच मिनट ओके डोंट वरी तो अब ऐसे सिचुएशन में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया अब सेक्शन 29 के हिसाब से अगर आपको याद होगा तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल के करने के बहुत सारे रीजन है एक सिंपल एग्जांपल लेता हो, कि आपने बिजनेस बंद कर दिया हो या आपका थ्रेशोल्ड के नीचे थ्रेशोल गया हो मतलब आपको थ्रेशोल्ड मिला है दस लाख बीस लाख और चालीस लाख का और आपका टर्न ओवर नीचे चले गया अगर आपका टर्न ओवर नीचे चले गया थ्रेशोल्ड के नीचे तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ध्यान सुनना थ्रेशोल्ड के नीचे अगर चले जाता है तो वो सिचुएशन में आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हो तो रीजन यू सी टू बी टैक्सीबल सर मैंने बेचा भी नहीं, नहीं भी बेचा होगा पर, पर आपकी सारी असेट डीम टू भी सप्लाइड मानी जाएगी इन द कोर्स ऑफ फदर ऑफ बिजनेस और, और जीएसटी देना पड़ेगा पर इसके दो एक्सेप्शन है ओके क्या अगर आपने अपना बिजनेस आ, किसी को एज अ गोइंग कंसर्न दिया होगा किसी को एज अ गोइंग कंसर्न दिया होगा और वो आपका बिजनेस चला रहा है तो फिर आपको वो सप्लाई नहीं माना जाएगा जीएसटी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस चल रहा है या फिर आ, कि आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव उसको चला रहा होगा तो फिर उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा सो so, दोस्तों आपने ये तीन क्लॉजेस देखे पैरा फोर में उसके बाद में पैरा फाइव पैराफाइव कुछ एक्टिविटी कवर करता है और पैराफाइव कहता है कि यह सारी एक्टिविटी ऑलवेज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी भाई कौन सी एक्टिविटी ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी ओके रेंटिंग ऑफ इमुएबल प्रॉपर्टी ओके इंडिया में कोई भी इमोएबल प्रॉपर्टी हो फिर वो लैंड हो बिल्डिंग हो ब्रिज हो टनल हो डैम हो ओके okay, थिएटर हो वेयर हाउस हो इंडिया में कोई भी इमोएबल प्रॉपर्टी हो और अगर वो रेंट पे दिया जाए तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा दूसरा दूसरा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और ये क्या कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर मतलब क्या कोई भी बिल्डिंग हो कोई भी कॉम्प्लेक्स हो ओके okay. कोई भी बिल्डिंग हो को, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो अगर ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले कंसिडरेशन जो है उसका कंसिडरेशन मिल रहा है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले मिल रहा है और ओके फर्स्ट ऑक्यूपेशन के पहले मिल रहा है एवर इज अर्लियर तो वो जो है यहां पे सर्विस माना जाएगा ओके okay, यानी आपने बायर को सेल किया हाँ ये सेल कॉन्ट्रैक्ट है पर वो सेल डायरेक्ट सेल नहीं है ये इंटेंडेड टू सेल है और इंटेंडेड टू सेल बिफोर सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच इज अर्लियर तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई अपना फ्लैट बुक कर रहे हो या कमर्शियल प्लेस बुक कर रहे हो अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले ध्यान सुनना अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले पैसा दे दिया तो टोटल अमाउंट पे जीएसटी आएगा आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले एक रुपया भी दिया होगा एक रुपया भी दिया होगा तो टोटल जीएस ओके टोटल वैल्यू पे जीएसटी आ जाएगा लेकिन आपने अगर कंप्लीस एंटायर अमाउंट ध्यान सुनना आपने एंटायर अमाउंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद दिया तो जीएसटी नहीं आएगा हाँ ख्याल रहे कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्युपेंसी विचोर इज अर्लियर तो आपका कट ऑफ पॉइंट बराबर निकालना फर्स्ट ऑक्युपेंसी का मतलब ओके वो प्रोजेक्ट में पहली बार कोई रहने आया है ओके उसके तो कभी कभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है पर ऑक्युपेंसी मिल जाती है तो आपका अगर पहले कट ऑफ पॉइंट फिक्स करना और वो कट ऑफ पॉइंट के बाद में कंसीडरेशन देखना हो सकता है आपका कट ऑफ पॉइंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो हो सकता है कट ऑफ पॉइंट आपका ऑक्यूपेंसी हो तो वो डेट फिक्स करने के बाद ये देखना कि कंसीडरेशन किधर है बिफोर है आफ्टर है चलिए उसके बाद में टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओके okay, आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओके जैसे कॉपीराइट्स हुआ पेटेंट्स हुआ ट्रेडमार्क हुआ अगर ये टेंप्ररी ट्रांसफर किया ध्यान सुनना टेंप्ररी ट्रांसफर किया तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट जस्ट मिनट बेटा डबिनिट हां उसके बाद में नेक्स्ट बेटा डेवलपमेंट डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग कस्टमाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में दो चीजें होती है एक आपका प्री प्रीपैक सॉफ्टवेयर मतलब कंपनी ने सॉफ्टवेयर पूरा बना लिया जैसे ऑफिस है या अभी दुनिया भर के सॉफ्टवेयर है गेमिंग सॉफ्टवेयर है पूरा बना के बेचा जिसको प्री पैक सॉफ्टवेयर कहते हैं अगर प्री पैक सॉफ्टवेयर होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब आपके हिसाब से डेवलप करके दिया डिजाइन करके दिया प्रोग्रामिंग करके दिया ओके तो वो कहा जाता है कि आपके हिसाब से बना के दिया वो सप्लाई ऑफ सर्विस तो यहां पर ओके okay, ध्यान रखना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस प्री पैक सॉफ्टवेयर बना बनाया हुआ सॉफ्टवेयर बेचा तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दिया या जैसे टैली टैली का लाइसेंस भी लिया जाता है तो लाइसेंस दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा नेक्स्ट बेटा एग्रींग टू देशन टू रिफ्रेंड फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट मतलब कुछ ना करना या टॉलरेट करना ओके okay, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और राइट टू यूज एनी गुड्स ओके, फॉर कैश पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन ओके कोई भी गुड्स का राइट देना वो भी सप्लाई सर्विस माना जाएगा तो ये हमने देखा पैरा फाइव में आने वाली चीजें अब देखते हैं पैरा सिक्स। इंपॉर्टेंट ओके okay, पैरा सिक्स क्या कहता है पैरा सिक्स ये कहता है ध्यान से सुनिएगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा आई रिपीट वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें कितना भी गुड्स हो <coughs> कितना भी गुड्स हो सॉरी बेटा हां वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें कितना भी गुड्स हो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई सर्विस माना जाएगा जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं आपके रेफरेंस के लिए नीचे दिए जैसे कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कंप्लीशन इरेक्शन बिल्डिंग इंस्टॉलेशन फिटिंग आउट इंप्रूवमेंट मॉडिफिकेशन मेंटेनेंस रिनोवेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करना इंस्टॉलेशन करना मेंटेनेंस करना जिसमें गुड्स इन्वॉल्व है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है आपको याद करने की जरूरत नहीं है बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि यहाँ पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए और वो इमोवेबल प्रॉपर्टी होगी और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और सर्विस भी इन्वॉल्व है ओके तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट उसमें गुड्स कितना भी इन्वॉल्व होगा तो भी यहाँ पे वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहा जाएगा जैसे यहाँ पे ये इसका लैंड है और ये लैंड इसने कहा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टर्न की प्रोजेक्ट की भाई ओके तुम्हारा ही गुड्स तुम्हारी सर्विस मुझे पूरा कंस्ट्रक्ट करके दो इवन दो उसमें गुड्स 80 है सर्विस ट्वेंटी है पर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा और दूसरा रेस्टोरेंट कैटरिंग और मेस uh, जिसमें फूड सप्लाई किया जा रहा है या ड्रिंक सप्लाई किया जा रहा है ओके okay, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा मतलब क्या पैरा सिक्स से कहता है दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें यह मत बताओ कि गुड्स डोमिनेंट है प्रिंसिपल है नो दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या रेस्टोरेंट कैटरिंग जिसमें फूड ड्रिंक दिया जाता है यह कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे उसके बाद में पैरा सेवन पैरा सेवन उन्होंने ओमिट कर दिया है क्यों ओमिट कर दिया है ओके okay, क्योंकि पैरा पैरासेवन ये कहता था अगर अन इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेडी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगा और वो अपने मेंबर्स को सप्लाई कर रहा होगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि यहां पे सेवन वन ए एड कर दिया है और सेवन वन ए में उन्होंने बहुत क्लियर कह दिया है कि अगर बाय एनी पर्सन टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट होगा आई रिपीट बाय एनी पर्सन टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट होगा तो ऐसे केस में वो यहां पे सप्लाई आप क्या अगर कैश डेफर्ड पेमेंट और वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो सप्लाई माना जाएगा इसलिए अब अगर अन इनकॉर्पोरेटिव एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अपने मेंबर को अगर एक्टिविटी सप्लाई कर रही है तो वो केस में वो सप्लाई माना जाएगा अगर गुड्स दिया तो गुड्स सर्विस दिया तो सर्विस इसलिए पैरा 7 की यहां कोई जरूरत नहीं है दोस्तों तो चलिए यह हमने देख लिया रिगार्डिंग टू पैरा सेवन डन ओके चलो तो ये हमने देखा यहाँ पे शेड्यूल uh, टू अब आते हैं कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई कम किस पे कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई अब ये क्या कहता है देखो हा कंपोजिट सप्लाई एंड मेक सप्लाई पहले तो सेक्शन जस्ट अ मिनट सेक्शन <coughs> ले एट लेते हैं कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई ठीक है अब ये सेक्शन क्या कहता है कंपोजिट मिक्स सप्लाई ये सेक्शन जो काम आता है वो आता है आ, दो चीजों के लिए कि अगर आपका बंडल है बंडल है मतलब जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों भी है सुनिएगा आपका बंडल है जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों भी है तो ऐसे बंडल के केस में सप्लाई गुड्स का बोला जाएगा या सर्विस का बोला जाएगा ये हमको समझाता है प्लस प्लस अगर गुड्स का बोला गया गया तो रेट क्या हो कभी 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 बंडल बंडल जो है ओके गुड्स 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 के के बनते बनते हैं हैं तीन चार गुड्स मिला सर्विस सर्विस के बंडल बनते हैं ओके है, या कभी कभी गुड्स और सर्विस के बंडल बनते हैं पहला एग्जांपल अगर आपके बंडल गुड्स के ही है पर तीन चार गुड्स एक साथ है जैसे मोबाइल विथ चार्जर एग्जाम्पल ओके यहाँ पे तो अगर ये बंडल या शेविंग किट ले लो ओके शेविंग किट का एक बंडल बनाया गया तो अगर ऐसे बंडल गुड्स के ही है तो उसमें भी कौन सा प्रिंसिपल गुड्स है उसके रेट लगते हैं अगर बंडल सर्विस के है ओके सर्विस में मतलब क्या तो आप होटल में रुके विथ विथ फूड कैटरिंग सर्विस आपने okay, आपका रिचार्ज करवाया विथ इंटरनेट ओके okay, बंडल है सर्विस का तो वो सिचुएशन में उसमें भी प्रिंसिपल सर्विस क्या है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन होगा और नेक्स्ट बेटा गुड्स और सर्विस के बंडल होगे तो फिर वो सप्लाई गुड्स का है या सर्विस का है ओके okay, वो बेस का क्लासिफिकेशन होगा और उसका रेट लिया जाएगा लेकिन आपको एक बात बता देता हूं दो बंडल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा या रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो इसमें कितना भी गुड्स हो और कितना भी सर्विस हो वो सिक्स के हिसाब से सप्लाई सर्विस ही माना जाएगा लेकिन इसके अलावा कोई बंडल बनते हैं तो वहां सेक्शन एट अप्लाई करना पड़ेगा और आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा तो अब उन्होंने बंडल के क्लासिफिकेशन कैसे किए तो उन्होंने बंडल को दो पार्ट में डिवाइड किया कंपोजिट और मिक्स ओके okay, ध्यान से सुनिएगा कंपोजिट और मिक्स ओके अगर आपका बंडल कंपोजिट सप्लाई होगा अब कंपोजिट सप्लाई ने क्या नीचे डेफिनेशन देखेंगे पहले क्लासिफिकेशन देख लो अगर आपका बंडल कंपोजिट सप्लाई होगा तो उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है ओके okay, वो पूरा प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासिफाई होगा और उसका जीएसटी का रेट लगाया जाएगा जैसे मोबाइल विद चार्जर तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई मोबाइल है ओके okay. तो ऐसे केस में मोबाइल में क्लासिफाई होगा सिंपल एग्जांपल एग्जाम्पल वाप मिर्ची अब दो गुड्स का बंडल है पर वड़ा पाव प्रिंसिपल सप्लाई डोसा चटनी तो डोसा प्रिंसिपल सप्लाई है तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसमें क्लासिफाई होगा और अगर आपका सप्लाई मिक्स सप्लाई होगा तो जो हाइएस्ट रेट होगा बेटा वो हाइएस्ट रेट में क्लासीफाई किया जाएगा चलो अब सवाल आता है कि कब कहना कंपोजिट और कब कहना मिक्स सप्लाई तो कंपोजिट सप्लाई की कंडीशन क्या है कंपोजिट सप्लाई मतलब टू okay, और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओके और बोथ और कॉम्बिनेशन दे रहा पहले तो क्या है टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स यानी दो से या दो से ज्यादा गुड्स हो सकते हैं दो या दो से ज्यादा सर्विसेज हो सकती है या फिर गुड्स और सर्विसेज हो सकती है और सारे टैक्सेबल सप्लाईज हैं हाँ टैक्सेबल सप्लाई में एग्जम भी आ जाता है टैक्सेबल सप्लाई में नील भी आ जाता है ओके तो सारे टैक्सेबल सप्लाईज एग्जम होगा तो एग्जम नील हो जाए मिल लेकिन टैक्सेबल होना चाहिए तो टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई हो गए ओके जो नेचुरली बंडल्ड हो गए मतलब मोबाइल विध चार्जर नेचुरली बंडल है ओके वड़ा पाव विद तो मिर्ची

ऑर्डिनरी का मतलब कोई दो तीन लोग ना दे ऐसा नहीं और कि ऑर्डिनरी मतलब जनरली वो गुड्स के साथ ये एक्टिविटी दी जाती है जैसे होटल इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री में जब आप रूम रूम रेंट पे लेते हो तो आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट दिया ही जाता है कैटरिंग सर्विस दी जाती है

नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ओके उन्होंने एग्जांपल दिया जैसे बहुत सी बार जब आप गुड्स बेचते हो तो गुड्स के साथ साथ आप ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस पैकिंग करते हो ओके okay, तो ये ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस इवन दो ट्रांसपोर्टेशन इंडिविजुअली सर्विस है इंश्योरेंस इंडिविजुअली सर्विस है लेकिन गुड्स के साथ यानी गुड्स प्लस उसका ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट चार्जेस उसके इंश्योरेंस चार्जेस उसके पैकिंग चार्जेस तो टोटल हुई आपकी समझ लो गुड्स की वैल्यू है सौ रुपए ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू ओके okay, यहाँ पे दस रुपए इंश्योरेंस की वैल्यू है पांच रुपए और पैकिंग पांच रुपए टोटल आपकी वन ट्वेंटी हुई तो टोटल वन ट्वेंटी पे गुड्स में क्लासिफाई किया जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई गुड्स है ये तो हुआ कंपोजिट नाउ मिक्स सप्लाई मिक्स सप्लाई का एक बेसिक फंडा समझ लो कि जो जबरदस्ती बनाया हुआ बंडल है नेचुरली नहीं जबरदस्ती बनाया हुआ बंडल है तो वो क्या कहा जाता है मिक्स सप्लाई अगर आपका मिक्स सप्लाई होगा मतलब क्या टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ये इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या दो वो गुड्स अलग अलग बेचे जा सकते हैं लेकिन आपने जबरदस्ती बनाया ओके okay, तो टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस मेड सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस ये वर्ड इंपॉर्टेंट है मतलब टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई सप्लाइड विथ ईच अदर और वो सिंगल प्राइस में सप्लाई किया है सर अगर हमने सिंगल प्राइस में नहीं अलग अलग प्राइस लगाई तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं अलग अलग प्राइस लगाई तो इंडिविजुअल गुड्स हो गए इंडिविजुअल जीएसटी रेट लग जाएंगे अगर आपने सिंगल प्राइस में सप्लाई किया तो प्रॉब्लम है एंड वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है ये तीन कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो जाती है तो वो सिचुएशन में वो मिक्स सप्लाई कहा जाएगा और आपका सप्लाई अगर मिक्स सप्लाई है तो क्या हाइएस्ट रेट लगेगा कमॉन क्या लगेगा हाइएस्ट रेट लगेगा एग्जाम्पल के तौर पर आपने दिवाली की पैकेज बनाया दिवाली के पैकेज में शैम्पू भी है मिठाई भी है परफ्यूम भी है और के चॉकलेट्स भी है और के दुनिया भर के आइटम्स है ये इंडिविजुअली सेल होते हैं ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये नेचुरली बंडल नहीं है पर आपने जबरदस्ती बंडल बनाया तो ऐसे केस में इस ये सारे आइटम का जो आपने पैक बनाया फॉर अ सिंगल प्राइस अरे पैक गायब हो गया ओके दिवाली गिफ्ट गायब हो गया किस कोच चुरा के लेके गया तो ऐसे सिचुएशन में ओके जो भी आप बेटा स्क्रीन पे नहीं दिख रहा पर आप इमेजिन करो ये दिवाली गिफ्ट में ओके अगर दुनिया भर के आइटम एक किट में हो गए और वो सिंगल प्राइस में हो गए तो उसमें जिसका भी हाईएस्ट रेट होगा पूरा बंडल उसमें जाएगा समझ लो शैंपू छोटा सा पार्ट है पर हाईएस्ट रेट है 28 परसेंट है तो पूरा बंडल शैंपू का माना जाएगा और पूरा बंडल 28 परसेंट में यहां पे जीएसटी लायबिलिटी में आ जाएगा ओके okay, तो दिवाली गिफ्ट पर हमने देखा ऐसा कोई भी कोई भी मिक्स सप्लाई हो ओके okay, तो वो सिचुएशन में यहां पे हाईएस्ट रेट में जीएसटी जाएगा तो ये हमने कुछ यहां पे कॉन्सेप्ट देखे सॉरी बेटा आ जाइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं चलो आ, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्लैरिफिकेशन देखो वेदर इंटरस्टेट मोमेंट्स ऑफ कन्वेंस ओके वो सप्लाई बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा जैसे बहुत सी बार क्या हुआ कि हमने क्या बोला कि भाई कोई भी गुड्स अगर इंटरेस्टेड मूव होता है आपके ब्रांच पे कोई भी गुड्स मूव होता है तो वो अगर आप अपने ही ब्रांच को दे रहे हो जो अदर स्टेट में है तो वो यहाँ पे पैरा टू शेड्यूल वन के हिसाब से सप्लाई बोला जाएगा लेकिन फिर सवाल आ गया गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अब समझ लो मैं मेरा ट्रक ट्रक जो है ट्रक में गुड्स लेके जा रहा हूं कन्वेंस में लेके जा रहा हूं अब गुड्स के साथ कन्वेंस भी जा रहा है तो क्या कन्वेंस पर भी जीएसटी आ जाएगा फिर तो मुश्किल हो जाएगी भाई ये ट्रक गया जीएसटी वहां से आया जीएसटी वापस गया जीएसटी वहां से आया जीएसटी ये तो गड़बड़ हो जाएगी कितने बार जीएसटी देंगे इसलिए फिर सीबीआई क्लैरिफिकेशन दिया गया और सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन क्या कहता है सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन ये कहता है कि अगर कन्वेंस होगा ध्यान सुनना कन्वेंस होगा जो कैरिंग गुड्स है कन्वेंस होगा और वो दैट कन्वेंस कैरिंग गुड्स और पैसेंजर तो कन्वेंस जा रहा होगा तो नीडर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा कन्वेंस पे नहीं आएगा ओके okay, वो जो ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा है गुड्स और पैसेंजर लेकिन अगर आपका कन्वेंस रिपेयर के लिए जा रहा है समझ लो आपने रिपेयर हब बनाया है कहीं पे और आपका ही रिपेयर है, वह है, आपकी ब्रांच को जा रहा है और रिपेयर के लिए जा रहा है आपका कन्वेंस। तो रिपेयर के लिए जा रहा है तो जीएसटी नहीं पर उस पर जो रिपेयर सर्विस होगी उसके ऊपर के लिए जा रहा है, तो कन्वेंस में नहीं आएगा लेकिन ऑन रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विस जो आपकी ब्रांच अदर स्टेट में प्रोवाइड करेगी उसके ऊपर जीएसटी आएगा और अगर आपका कन्वेंस फिनिश प्रोडक्ट ही है जैसे टाटा यार क्या हो गया आपका कन्वेंस फिनिश प्रोडक्ट ही है बेटा ओके फिनिश प्रोडक्ट है जैसे टाटा मोटर्स अशोक लेलैंड ओके यहां पे फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है और फिनिश प्रोडक्ट कोई अपने शोरूम में बेचने के लिए फर्दर सप्लाई के लिए भेज रहा है तो फिर वो स्टॉक ट्रांसफर हुआ फिर उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा तो अगर आपका कन्वेंस मूड फॉर फर्दर सप्लाई होगा फर्दर सप्लाई होगा तो फिर तो आपका फिनिश गुड इश्यू हुआ तो फिर वो ओके स्टॉक ट्रांसफर बोला जाएगा और जीएसटी आएगा नेक्स्ट ओके सेम प्रोविजन आपके ओके okay, आप अगर स्पेयर स्पेयर पार्ट्स लेके जाते हो आपके कन्वेंस में आप अगर रिग्स लेके जाते हो ओके टूल्स लेके जाते हो स्पेयर पार्ट्स लेके जाते हो क्यों नहीं चल रहा है जस्ट मिनट कुछ ज्यादा स्पीड हो गई क्या ओके okay, रिग्स है टूल्स है स्पेयर है ओके okay, तो सेम प्रिंसिपल आप अप्लाई करोगे आपके कन्वेंस के साथ आप जो है क्रेन ओके क्रेन लिफ्टिंग मशीन लेके जा रहे हो तो ये क्रेन है कोई टूल्स है ओके okay, और वो कन्वेंस के साथ टूल्स जा रहा है अगर वो कन्वेंस के साथ टूल्स जा रहा है रिग्स जा रहे हैं स्पेयर जा रहे हैं ओके है, okay, और वो जो है अटैच टू कन्वेंस है और वो अटैच टू कन्वेंस से जाएंगे वापस आ जाएंगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं वो रिपेयर के लिए जाएंगे तो जीएसटी नहीं पर रिपेयर पे जीएसटी आ जाएगा रिपेयर सर्विस पे और वो फर्दर सप्लाई पे जाएंगे तो फिर जीएसटी आ जाएगा एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल जो कन्वेंस के साथ अटैच रिक्स टूल पार्ट होते हैं तो उसको लगाओ उसके बाद में प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप मैं ये पढ़ा चुका हूं ओके okay, ध्यान रहे ओके शेड्यूल वन पैरा थ्री आई रिपीट ओके शेड्यूल वन पैरा थ्री वो केस में अगर देखा जाए तो जब भी प्रिंसिपल अपने एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर करेगा सुनिए समझ लो प्रिंसिपल है एजेंट है और उसने एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर किया है ओके स्टॉक ट्रांसफर किया है तो ये स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा ओके इसके दो चीजें आगे एजेंट क्या कर रहा है अगर आगे एजेंट इन्वाइस जो है प्रिंसिपल का बना रहा है अगर एजेंट इनवाइस प्रिंसिपल का बना रहा है तो यह सप्लाई नहीं है लेकिन अगर आगे एजेंट ओन इनवाइस बना रहा है ओन इनवाइस बना रहा है तो यह सप्लाई माना जाएगा तो स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा यह एजेंट क्या कर रहा है उसके ऊपर है तो यह भी एक क्लैरिफिकेशन है ओके इफ इनवाइस इन इज नेम वो अपने नाम का इनवाइस बना रहा है तो फिर वो पैरा थ्री में कवर्ड होगा सप्लाई माना जाएगा अगर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल होगा तो फिर वो पैरा थ्री में कवर्ड नहीं होगा और उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा ओके okay, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा ये तो हुआ जब प्रिंसिपल टू एजेंट है जब एजेंट टू प्रिंसिपल है यानी बाइंग एजेंट तो सेम प्रिंसिपल है अगर इनवाइस एजेंट के नाम का है तो वो सप्लाई माना जाएगा और इनवाइस डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम का है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा एजेंट कोई भी हो सेलिंग एजेंट हो ओके okay, पहला वाला सेलिंग एजेंट हो या दूसरा बाइंग एजेंट हो ओके okay, आपके पे बाय कर रहा उससे कोई कंसर्न नहीं है इनवॉइस किसके नाम का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बेस पे आपका आंसर होना चाहिए नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है भाई ओके okay, नेक्स्ट वाला क्लैरिफिकेशन क्या कहता है वेदर जीएसटी वेदर जीएसटी इज जीएसटीबल ऑन सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम ओके प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स ऑफ डोनर इन द प्रीमायस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग डोनेशन मतलब क्या ओके okay, समझ लो वी स्मार्ट ने कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो स्कूल बना रहे हो स्कूल में एक बड़ा हॉल बनाओ ओके okay, और वो जो बड़ा हॉल है उसके लिए मैं डोनेशन दूंगा फाइनेंस दूंगा ओके और उन्होंने एज अ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड और पब्लिक फिलोथ्रॉपी जो हॉल बनाया उस पर वी स्मार्ट का नाम रखा एज अ नेम प्लेट पर वो नेम प्लेट का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि ऐड किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नेम प्लेट का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि ऐड किया जाए बस एज एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड पब्लिक फिलोथ्रॉफी ओके वो वहां नाम लिखा गया तो ऐसे केस में क्लैरिफिकेशन आया कि अगर अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट डोनेशन के अगेंस्ट में सिर्फ नेम प्लेट लगाती है जिसमें क्लियर इंटेंशन है कि ऐड नहीं करना है तो वो सिचुएशन में वो सप्लाई नहीं नहीं बोला जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा लेकिन एडवर्टाइजमेंट का इंटेंशन होगा क्लियरली लग रहा है कि वो एडवर्टाइजमेंट है तो फिर जीएसटी आ सकता है उस डोनेशन पे अदरवाइज नहीं आ जाए नहीं आएगा जैसे इंडिविजुअल डोनर ओके फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है रिसिपियन नेम प्लेट लगा रहा है इन द एज अ एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड ये बर्ड आना चाहिए तो एम ऑफ हाँ, एम क्या है एम है एक्ट ऑफ स्मार्ट का नाम देखेंगे लोग, तो दूसरी भी डोनेशन मिलेगा <coughs> लेकिन उसमें पब्लिसिटी या प्रमोशन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सिर्फ वो एज एक्ट ऑफ फिलोथ्रॉपी है <coughs> तो यहाँ पे और नो ऑब्लिगेशन ऑन द रिसिपेंट टू डू एनीथिंग ओके सॉरी ओके okay. और रिसिपियन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई वो यहां पे कुछ एक्टिविटी करे तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा और जीएसटी नहीं आएगा इतने फटाफट पांच पॉइंट्स लिखना अगर इसके ऊपर कोई केस स्टडी आई और पूरे मार्क्स ले लेना तो इस बार 80 पार उससे कम तो बिल्कुल नहीं सोचना है और 80 पार लो अब वो सिक्सटी लो ओके okay, और मेरे से गिफ्ट लेके जाओ <laughs> चलिए ना उसके बाद में उसके बाद में बेटा सॉरी उसके बाद में वेदर टेनेंसी प्रीमियम हाँ एक जो है टेनेंसी प्रीमियम फॉर ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट टू तो एन इनकमिंग टेनेंट अट्रैक्ट जीएसटी जैसे यहां पे थोड़ा ये पॉइंट समझा देता हूं आपको ये डायग्राम अगर बड़ी होती है तो एक बिल्डिंग थी एक बिल्डिंग में मिस्टर बी ने पूरा बिल्डिंग रेंट पे लिया रेंट जो दस हजार रुपए दे रहा है दस हजार रुपए तो जीएसटी तो आएगा प्लस उसके टेनेंसी राइट दे रहा है ओके okay, टेनेंसी राइट मतलब अगर ये बिल्डिंग का कोई पार्ट मुझे आगे सब्लीस करना है तो उसके भी राइट दो तो ठीक है उसने दो चीजें की मंथली रेंट किया जिसको हम पगड़ी ओके okay, मंथली रेंट दिया और टेनेंसी राइट पगड़ी दी पगड़ी एक लाख रुपए दी कि भाई मुझे और किसी को देना है तो मैं दे सकता हूं जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एग्जांपल लिया था हॉस्टल का पूरी बिल्डिंग रेंट पे ली प्लस उसमें का सब्लिस करने के राइट मिली है गवर्नमेंट कहती है अब देखो जीएसटी में क्लैरिफिकेशन क्या आया इवन दो इस पगड़ी पे ये टेनेंसी राइट पे स्टैंप ड्यूटी लगता होगा लेकिन जस्ट बिकॉज स्टैंप ड्यूटी लगा इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा ओके जीएसटी भी लगेगा ओके उससे कोई लेना देना नहीं हमने सिर्फ सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग को छोड़ा है उसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है आपको कोई अदर टैक्स भी लग रहा होगा उससे हमें लेना देना नहीं वो जीएसटी के स्कोप में आएगा तो बेटा ओके okay, इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा उसके बाद में ओके टेनेंसी राइट्स टू न्यू पार्टनर तो न्यू uh, पार्टनर को भी अगर टेनेंसी राइट right दिया उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी लगा तो उस पर भी जीएसटी लग सकता है उसके बाद में एक आउटगोइंग गोइंग का टेनेंसी राइट right होता है भाई किधर गया एक आउटगोइंग का टेनेंसी राइट right होता है आउटगोइंग मतलब भाई छोड़ दे मेरा प्रीमाइस 20 साल से रह रहा है साल से रह रहा है छोड़ दे मेरा मैं मेरे प्रीमाइज छोड़ने के राइट छोड़ने के मैं तुझे चालीस लाख रुपए देता हूं तो अगर राइट छोड़ने के मैं चालीस लाख रुपए दे दे रहा तू मेरा छोड़ दे। तो वो जो चालीस लाख रुपए टेनेंसी राइट मिलते हैं उस स्टैंप ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगेगा ओके और बेटा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी आई रिपीट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को यहां पे रेंटिंग और टेनेंसी ऑफ रेसिडेंशियल उसको एग्जाम्पन है तो अकॉर्डिंगली आपको यहां पे भी एग्जामेशन मिल सकते हैं सब्जेक्ट टू एग्जाम्शन नोटिफिकेशन ओके चलो ये हुआ और एक लास्ट क्लैरिफिकेशन देख लो अब क्या हो गया जस्ट मिनिट एक लास्ट क्लैरिफिकेशन देख लो और वो लास्ट क्लैरिफिकेशन वेदर सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेस हाँ, देखो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स पैम्पलेट्स ब्राउचर एनुअल रिपोर्ट एंड द लाइक अब देखो अगर मैं बुक्स प्रिंटिंग कर रहा हूं ओके okay, तो मेन पैम्पलेट है ब्राउचर है ओके okay, तो ये जो है इसमें मेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सामने वाले की है मैं सिर्फ प्रिंट करके दे रहा हूं इवन दो ओके पेपर मेरा होगा इंक मेरा होगा लेकिन बुक पे कंटेंट किसी और का है तो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ सच एसओएस ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई क्या है बुक्स के केस में प्रिंसिपल सप्लाई जो है वो सर्विस है सप्लाई प्रिंटिंग ऑन सॉरी प्रिंसिपल सप्लाई सामने वाले की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर मैं जॉब वर्क सर्विस दे रहा हूं इसलिए वो सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई होगा क्योंकि कंटेंट जो है वो किसी और का है लेकिन सेकंड अगर इन्वोलप है लेटर कार्ड है प्रिंटेड बॉक्स है नैपकिन है तो सिर्फ मैं उसका लोगो डाल रहा हूं सिर्फ लोगो डाल रहा हूं या डिजाइन डाल रहा हूं बाकी सब कुछ मेरा है सिर्फ सामने वाले का लोगो है सामने वाले का मेन कंटेंट नहीं है सिर्फ सामने वाले का लोगो है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ओके okay, और वो क्योंकि उसमें प्री डोमिनेंट जो है गुड्स है सिर्फ सामने वाले का लोगो लगा दिया इसका मतलब मैं जॉब वर्क हुआ ऐसा नहीं है ओके okay, तो इतने क्लैरिफिकेशन है जो आपको अच्छे से पढ़ के जाने तो यहां पे ओके हमारा पहला चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई खत्म होता है ओके बेटा आपको समझ में आया अच्छे से रिवाइज हुआ बोलो यस बेटा ये तो रिवाइज कोई भी कर सकता है जिसको रिवाइज करना है पहला अटेम्प्ट होगा वो भी कर सकता है समझ में आया आपको क्लियरली यस और नो चलो अरे सब जितने भी प्रेजेंट है आपने अटेंडेंस नहीं लगाई अटेंडेंस लगाओ लाइक करके अटेंडेंस लगाओ पसंद आया तो अटेंडेंस लगाओ लाइक करो जो पसंद आया होगा मजा आया होगा जो भी है चलो आ, रिवर्स चार्ज ले ले आधे घंटे में रिवर्स चार्ज हो जाएगा चलिए चलिए बेटा रिवर्स चार्ज में फटाफट आपको समझा देता हूं <coughs> रिवर्स चार्ज में दो सेक्शन है सेक्शन नाइन वन और सॉरी नाइन थ्री और नाइन फोर ठीक है नाइन थ्री क्या कहता है फटाफट देखो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट कुछ कैटेगरी नोटिफाई करेगा गुड्स की या सर्विस की जो गवर्नमेंट ने कैटेगरी नोटिफाई की गुड्स की और सर्विस की वो केस में रिवर्स चार्ज आएगा जहां रिसिपियंट जीएसटी पे करेगा और सारी फॉर्मेलिटी ऐसे फॉलो करेगा जैसे वो सप्लायर ऑफ गुड्स हो यानी सारी फॉर्मेलिटी को ही फॉलो करनी पड़ेगी सप्लायर कुछ भी नहीं करेगा ठीक है तो ये था रिगार्डिंग टू रिवर्स चार्ज ओके नाइन थ्री अब वो नोटिफाइड कैटेगरी कौन सी है वो हम आगे देखेंगे ओके उसके बाद में नाइन फोर नाइन फोर का रिवर्स चार्ज क्या है गवर्नमेंट ओके यहां पे गुड्स की कैटेगरी नोटिफाई करेगा अगर वो अनरजिस्टर्ड बंदे ने दिया हो आई रिपीट वो अनरजिस्टर्ड बंदे ने दिया हो और किसको रजिस्टर्ड को दिया हो तो ही रिवर्स आ जाएगा इज द डिफरेंस बिटवीन नाइन थ्री में सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो उससे कोई लेना देना नहीं ओके okay, अगर वो कैटेगरी आपको एम्फोसाइज करना है कैटेगरी वो कैटेगरी का सप्लाई होता है बिटवीन सप्लायर और तो उसका टैक्स रिसिपियंट ही देगा लेकिन नाइन फोर में नाइन फोर में जो कैटेगरी स्पेसिफाई होगी उसमें रिवर्स चार्ज तभी आएगा अगर सप्लायर से रजिस्टर्ड का होगा तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको रिवर्स चार्ज में समझा देता हूं और वो क्या यहां पे देखो अगर सप्लायर है और दूसरा रिसिपियंट है और अगर वो नोटिफाइड कैटेगरी में आता है नाइन थ्री नाइन फोर में तो गवर्नमेंट को टैक्स जो है ओके रिवर्स चार्ज में रिसिपियंट देगा सप्लायर नहीं देगा रिवर चार्ज में रिसिपियंट जीएसटी देगा अब इसमें दो बातें हो सकती है ओके okay, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होगा अगर सप्लायर रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ओके बंदा हो सकता है सप्लायर रजिस्टर्ड बंदा होगा इवन दो सप्लायर रजिस्टर्ड बंदा होगा तो भी अगर वो नोटिफाइड कैटेगरी है गुड्स और सर्विस की और वो नोटिफाइड कैटेगरी है और नाइन थ्री का है आई रिपीट नाइन थ्री का है तो वो केस में लाइबिलिटी रिसिपियन पे ही आएगी दैट्स ऑल क्यों ना सप्लायर रजिस्टर्ड है बस इतना ही है कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो केस में टैक्स इन सप्लायर बनाएगा टैक्स सप्लायर बनाएगा जिसमें वैल्यू और जीएसटी भी जीएसटी भी कैलकुलेट करेगा सप्लायर और वो टैक्स इनवाइस बना के इसको दे देगा किसको रिसिपियन को और रिसिपियन उसका टैक्स देगा टैक्स सप्लायर नहीं देगा तो एक बार फिर से अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो इनवाइस सप्लायर बनाएगा जीएसटी कैलकुलेट सप्लाई करेगा लेकिन ये कैलकुलेट किया हुआ जीएसटी रिसिपियन देगा लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है ओके अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ये सिचुएशन में यहां पे टैक्स इनवाई सप्लायर नहीं बनाएगा ये केस में ये केस में सेल्फ इनवाइज बनाएगा सुनो रिसिपियंट सेल्फ इनवाइज बनाएगा ओके okay, वो टैक्स इनवाइज कहा जाता है और वो सेल्फ बना के जीएसटी देगा बी केयरफुल सेल्फ इन्वाइज बना के जीएसटी देगा पर जीएसटी तो रिसिपियंट ही देगा एक बार फिर से सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो इनवॉइस वो बनाएगा टैक्स देगा और सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पे ओके टैक्स इनवॉइस इनवॉइस बनाएगा जिसे हम सेल्फ कहते हैं और वो उसका जीएसटी देगा लेकिन अगर रिवर्स चार्ज है तो जो है तो जो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन यहां पे कंपलसरी है अगर वो रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा चलो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा रिगार्डिंग टू रिवर्स चार्ज अब यहां पे रिवर्स चार्ज में गुड्स भी नोटिफाइड है और सर्विस भी नोटिफाइड है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर गुड्स नोटिफाइड है तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है आपको उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां पर वो या सर नोटिफाइड सर्विस पे मिलेगा और आपको एक बात बता देता हूं कि यहां पे रिसिपियंट को ओके okay, रिसिपियंट को जो भी उसने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा रिसिपियंट को क्रेडिट मिल जाएगा पर सप्लायर के लिए ओके okay, ये एग्जाम सप्लाई माना जाता है और सप्लायर को आई नहीं मिलेगा ओके आई टी नहीं मिलेगा अगर उसका रिवर्स चार्ज में क्योंकि सप्लायर के लिए वो एग्जाम माना जाता है सप्लायर के लिए वो एग्जाम माना जाता है सप्लायर को आईटीसी नहीं लेकिन रिवर्स चार्ज में रिवर्सिपियर ने जो पे किया उसको, उसका आईटीसी दे दिया जाएगा तो ये था रिगार्डिंग टू रिवर्स चार्ज अब हम बात करते हैं नोटिफाइड सर्विसेज से रिलेटेड ओके तो नोटिफाइड सर्विसेज से रिलेटेड यहां पे आपको देखो फिर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा कि रिवर्स चार्ज की कोई सर्विस होगी तो कैसा प्रेजेंट करना ठीक है यहां पे ओके okay, देखिए पहला हम बात करते ट्रांसपोर्ट सेक्टर मैं पूरा ओके okay, हम एक स्टोरी बनाएंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर पहले ले लेता हूं ट्रांसपोर्ट एंड मोटर व्हीकल सेक्टर उसमें पहला लेते हैं ओके गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस पहला लेते हैं जीटी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड जीटी अगर मैं कहूं तो बाय रोड ये सर्विस ट्रांसपोर्ट हो रही है और यहाँ पे हु हैज नॉट ऑप्टेड टू पे जीएसटी ट्वेल्व परसेंट मतलब क्या अगर GTA 12 के लिए कर रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज है ऐसा जीटीए जो ट्वेल्व परसेंट के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा हो ऐसा जीटीए जो ट्वेल्व परसेंट के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा हो ओके तो अगर यहाँ पे सप्लाई बाय सप्लाय होगा और सर्विस लेने वाला ओके एनी रजिस्टर्ड फैक्ट्री रजिस्टर्ड सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी बॉडी कॉर्पोरेट फर्म या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा तो लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज में अ पर्सन हु इज लाइबल टू पे फ्रेट यानी यहां पे जो फ्रेट पे कर रहा है ओके okay, उस पर लाइबिलिटी आएगी मतलब अगर फ्रेट फैक्ट्री पे कर रहा है सोसाइटी पे कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी बॉडी कॉर्पोरेट और फॉर्म तो वो यहां पे जीएसटी देगी नाउ नोट जीटीए इज लाइबल इन फॉलोइंग केसेस अगर ये सप्लाई ओके नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो जीटीए देगा ओके okay, अगर पर्सन जो फ्रेट पे कर रहा है वो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है जैसे इंडिविजुअल है एच है तो यहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और अगर टी के लिए गवर्नमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड होगी तो वो केस में अप्लाई नहीं होगा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ठीक है ये गवर्नमेंट वाला इंटर लेवल पे नहीं भी पड़ा तो भी चलेगा ओके okay, थोड़ा इसको चार्ट में देखते हैं जीटीए सर्विस थोड़ा चार्ट में देखते हैं यहां पे पहला पार्ट अगर जीटीए 12 परसेंट वाला ऑप्शन ले रहा है मतलब जीटे कह रहा है नहीं भाई मैं जीएसटी तो 12 परसेंट में दूंगा अगर वो 12 परसेंट वाला ऑप्शन ले रहा है विथ आईटीसी तो फिर टैक्स रिवर्स चार्ज नहीं फिर फॉरवर्ड चार्ज होगा ओके okay, और फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए टैक्स देगा और उसका वो आईटीसी भी ले सकता है उसका वो आईटीसी भी ले सकता है ओके okay, उसके बाद में नेक्स्ट अगर जीटीए फाइव वाले ऑप्शन में है 5% मतलब 2.5 2.5 विदाउट आई विदाउट आईटीसी मतलब उसमें जीटी आईटीसी नहीं लेगा तो उसमें दो पार्ट है अगर सर्विस प्रोवाइडेड टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी अगर जीएसटी का कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा और लाइबिलिटी रिसिपियन पे आएगी नाउ अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ जीएसटी है रजिस्टर्ड होगा तो सवाल ही नहीं रिवर्स चार्ज लग जाएगा लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ जीएसटी है तो वो केस में अगर वो नोटिफाइड कैटेगरी में आ रहा है अब नोटिफाइड कैटेगरी आने क्या नोटिफाइड कैटेगरी मतलब ये आपको लिखना है तो लिख देना यहां पे नोटिफाइड कैटेगरी मतलब फैक्ट्री सोसाइटी आपको नोटिफाइड कैटेगरी स्टार करके लिख देता हूं नोटिफाइड कैटेगरी फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड है सोसाइटी अनरजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी अनरजिस्टर्ड है उसके बाद में बॉडी कॉरपोरेट उसके बाद में फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी या सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर ये कैटेगरी है ध्यान सुनना ये कैटेगरी और अनरजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज आ जाएगा रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी आएगी लेकिन अगर वो कैटेगरी नहीं है ओके और वो अनरजिस्टर्ड है लाइक like इंडिविजुअल और एच जिसकी फैक्ट्री वगैरह नहीं है और वो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है तो वो केस में गवर्नमेंट ने एग्जामशन दे दिया ओके यानी जीटीएस सर्विस अगर यहां पे इंडिविजुअल ने ली या एच यूफ में ली जिसकी फैक्ट्री वगैरह नहीं है और वो अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट ने ये एरिया में उनको क्या दे दिया है एग्जामेशन दे दिया है ओके okay, भाई रिवीजन तो मैं इतनी कर पाऊंगा ओके okay, यहां पे लेकिन आपको अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा आराम से आपको बैठकर जो है ओके okay, यहां उसको और एक बार फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है ये फास्ट ट्रैक भी नहीं है ओके okay, डन <coughs> तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहां पे ट्रांसपोर्ट में जीटी दूसरा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मतलब मोटर व्हीकल में दूसरा एक एग्जाम्शन है रेंटिंग अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना एक एक लाइन ध्यान से समझना पहला ओके रिवर्स चार्ज कब लगेगा पहले तो रेंटिंग होना चाहिए दूसरा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होना चाहिए वो मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होना चाहिए तीसरा ओके okay, डिजाइन मतलब पैसेंजर वाला मोटर व्हीकल होना चाहिए बस होगा कार होगा ओके मिनी बस होगा वाटर इट में भी पर पैसेंजर गुड्स के लिए नहीं तो और नेक्स्ट उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होनी चाहिए ओके okay, तो ये सारी चीजें होगी और वो सर्विस अगर आपने एनी पर्सन को दिया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो रिवर चार्ज लगे, लगेगा उसमें भी डज नॉट इश्यू इन वॉइस एट द रेट ट्वेल्व परसेंट मतलब उसमें भी ऑप्शन ट्वेल्व परसेंट वाला नहीं होना चाहिए इतने सारे ऑप्शन हो गए तो रिवर चार्ज होगा एक बार फिर से अगर इंडिया में किसी ने अपना मोटर व्हीकल कार है बस है रेंट पे दिया जिसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होते हैं किस पे दिया रेंट पे जिसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होते हैं और कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है और किसी भी पर्सन को दिया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और उसमें ट्वेल्व परसेंट वाला ऑप्शन नहीं है तो वो सिचुएशन में यहां पे रिवर चार्ज लगेगा थोड़ा इसको चार्ट में देखते हैं चार्ट बड़ा अच्छा है मोटर व्हीकल रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ओके तो मोटर व्हीकल रेंट पे दिया जा रहा है दूसरा मोटर व्हीकल ओके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड होगा जीटीए जीटी होगा तो हमने देख लिया और तीसरा मोटर व्हीकल एक मिनट <laughs> यहां करेक्शन कर ला मेरा मोटर व्हीकल गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस होगा एक मिनट कुछ चार्ट में गड़बड़ हो गई है सॉरी हाँ एक मिनट मैं बराबर बराबर है यहां पे ये जो रिवर चार्ज है वो रेंटिंग पे है अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड होगा तो हमने एंट्री वन में देखा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी रेंट पे नहीं दे रहे आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं जैसे रेंट पे देना और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पे देना इन दोनों में फर्क है मतलब क्या ओके मैंने कार रेंट पे दे दी तो भाई तेरे को जहां ले जाना है लेके जा और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब मतलब ड्राइवर मेरा है आपसे टिकट ली जा रही है दो सौ रुपये तीन सौ रुपये तो अगर आपसे टिकट ली जा रही है दो सौ रुपये तीन सौ रुपए तो वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है वहां रिवर चार्ज नहीं वहां फॉरवर्ड चार्ज है रिवर चार्ज कब जब आपने पूरा मोटर व्हीकल रेंट पे दे दिया बस रेंट पे देना तो हम रिवर चार्ज की बात करेंगे लेकिन बस में आपको बिठा कर लेके जाना और दो सौ रुपए तीन सौ रुपए टिकट में पांच सौ रुपए टिकट में तो वह पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस हुई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो फॉरवर्ड चार्ज है मेरा बस इतना कहना है कि ये जो रिवर चार्ज है वो सिर्फ रेंटिंग को लगता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को लगता है अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होगा यानी आपका ध्यान मैंने रेंटिंग पे लाया रेंटिंग होगा तो वो मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होना चाहिए सर अगर मैंने okay, ऐसा मोटर व्हीकल दिया जो गुड्स के लिए होगा तो अगर गुड्स के लिए मोटर व्हीकल होगा और मैंने रेन पे दिया होगा जैसे ट्रक रेन पे दिया होगा ट्रैक्टर रेंट पे दिया होगा तो रिवर चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा रिवर चार्ज कब लगेगा जब डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा उसमें भी दो पार्ट कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होगी और कॉस्ट ऑफ फ्यूल नॉट इंक्लूडेड होगी अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल नॉट इंक्लूडेड होगी तो फॉरवर्ड चार्ज जैसे जैसे मैंने आपको रेंट पे दिया और रेंट पे मैंने आपको पर किलोमीटर जो है यहाँ पे पचास रुपए लगाया और पचास रुपए में फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है यानी फ्यूल मेरा है रेंट पे दिया ओके तो फिफ्टी रुपीज पर किलोमीटर जिसमें फ्यूल कॉस्ट मेरी है तो अगर फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड होगी तो रिवर चार्ज में जाएगा सर अगर फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होगी नहीं होगी तो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा यानी रिवर चार्ज होने के लिए क्या जरूरी है डिजाइन टू कैरी पैसेंजर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होना चाहिए नाउ सप्लायर ऑफ सर्विस एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रिसीपिएंट भी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ख्याल रहे यहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस जो होगा और सप्लायर ऑफ सर्विस यहां पे बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रिसीपिएंट भी ओके रिसिपियंट एनी बॉडी कॉर्पोरेट सॉरी 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 मेरे से गलती होगी

मतलब सप्लायर ऑफ सर्विस कंपनी होगी तो रिवर्स चार्ज नहीं सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिविजुअल एचीवर पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज होगा और रिसिपियन बॉडी कॉर्पोरेट ही होनी चाहिए अगर रिसिपियंट इंडिविजुअल होगा तो रिवर्स चार्ज नहीं रिसिपियंट यहाँ पे ओके कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो रिवर्स चार्ज नहीं रिसिपियंट बॉडी कॉर्पोरेट होगा इनर टैक्सेबल टेरिटरी होगा तो रिवर्स चार्ज आएगा अबो बोथ फुलफिल्ड तो रिवर्स चार्ज ओके अगर नहीं फुलफिल हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज एक बार फिर से एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होगा डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा एक बार फिर से मेरे साथ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होगा डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा कॉस्ट इंक्लूड होगी सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा रिसिपिय बॉडी कॉर्पोरेट होगा इन अ टैक्सेबल टेरिटरी तो रिवर्स चार्ज लगेगा नहीं नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा सिंपल इस इस तरह से आपको पढ़ना है ओके okay, इस तरह से आपको पढ़ना है तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू जीटीए सर्विस और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ठीक है डन चलो ठीक है बेटा आ, ये जो डिस्कशन है आ, रिवीजन का हम इसको आगे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे अब ठीक नहीं लग रहा है ओके okay, तो इसको हम आगे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे आर को आ, आगे की चीज़ें कल नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और आ, कल मैं आपको फिर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिस्ट आउट कर दूंगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिस्ट आउट कर दूंगा कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे करना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे डन चलो आज यही है रुकते हैं थोड़ा आप आरसीएम और लुक करके आओ आरसीएम और लुक करके आओ और रजिस्ट्रेशन चैप्टर और लुक करके आओ नेक्स्ट डिस्कशन के लिए आरसीएम और रजिस्ट्रेशन ठीक है चलिए नेक्स्ट मैं आपको यह कह देता हूं कि अभी लॉ का शुभम सर का भी है। मेरे हिसाब से तो है पर अब आप ऑनलाइन चेक कर लेना पर मेरे हिसाब से उनका सेशन है <coughs> कल आ, एक बात और कह दू आ, कल हमारा क्लास प्रेस्टीज पर भी हो सकता है मैं आ जाऊंगा प्रेस्टीज पे और कल बेसिकली मैं आ, क्लास जो है फेस टू फेस लूंगा कल का सेशन प्रेस्टीज पे अगर कोई रीजन के वजह से क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है या कोई रीजन के वजह से नहीं आ पाया तो प्रेस्टिज पे आपको ऑनलाइन तो दिखाया जाएगा डोंट वरी पर 99 परसेंट चांसेस है कि कल मैं फेस टू फेस आऊँगा क्योंकि कल बहुत सी बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर टीचर्स डे है तो आप प्रेस्टिज पॉइंट पर आओ और आप भी आओ ओके यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट पे हम मिलेंगे हम बातचीत करेंगे ओके तो कल टीचर्स डे में बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ रिक्वायरमेंट आई है कि सर आप प्रेस्टिज पॉइंट पे आओ आप भी आओ मिलने मैं रहूँगा कल प्रेस्टिज पे और यहाँ पे प्रेस्टीज uh, पॉइंट पे फेस टू फेस आने की कोशिश करूंगा कल के सेशन में वहां से सेशन ब्रॉडकास्ट किया जाएगा नो डाउट यूट्यूब पे तो रहेगा अगर मेरी तबीयत खराब रही या कुछ रीजन की वजह से कल का सेशन तो लूंगा ही मैं लेकिन अगर कुछ रीजन से फिर मैं ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट भी कर सकता हूं वो वन परसेंट चांसेस है नाइनटी नाइन परसेंट तो मैं वहां आ जाऊंगा और वहां से ब्रॉडकास्ट करूंगा ठीक है और जो भी स्टूडेंट पुणे में है तो देखो प्रेस्टीज पे आ सकते हो कल मॉर्निंग में तो आ जाओ नोट्स तो आपको बेटा आपके लॉगिन में मिलेगी आपका लॉगिन के लिए हमने एक वीडियो डाला हुआ है वी okay, स्मार्ट के चैनल पे मस्ट करके गिव अवे एक वीडियो देखिएगा आपका लॉगिन कैसे क्रिएट होगा मेरा पर्सनल वीडियो है वो एक बार देखिएगा ठीक है वो एक बार देखिएगा और मैं सबको इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां पे अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो देखो बेटा मैं अपने तरफ से पूरी एनर्जी लगा रहा हूं अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा ओके यहाँ पे डेफिनेटली इसका फायदा ओके दूसरे को मिलेगा क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है कि यहाँ पे व्यूज और लाइक पे दूसरा अपने सेशन, अपने सेशन देखता है ठीक है तो लॉग में मिल जाएगा बेटा लॉग में अगर आपके लॉग में मटेरियल कंटेंट में नोट्स नहीं होगी तो एक बार फिर से आप कॉम्बो कोर्स बाय कीजिएगा क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से जो पहले इन किया नहीं दिख सकता है तो एक बार फिर से आप कम्बो कोर्स बाय कीजिएगा सेक्शन का डिडक्शन है इस बार अमेंडमेंट नहीं है इसलिए आप पुराना ही देखो और साथ साथ में अमेंडमेंट देखो ये अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ लास्ट टाइम मैंने इंटर के लिए नहीं किया था इसलिए इस बार सीए इंटर का मैं रैपिड रिविजन दे रहा हूं नहीं जेवी वगैरह का नहीं आएगा क्योंकि सेवन वन ए ए आने के बाद जेवी वगैरह का नहीं आएगा ठीक है चलो डन यहां रुकते हैं अब मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूं कल मिलते हैं